देख रहे हैं BHBC News। नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन विभाग। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अक्सर किसी विदेश दौरे पर रहते हैं, उनके साथ उनके स्पेशल बॉडीगार्ड भी होते हैं। यह आम बात है, लेकिन उसमें हैरान करने वाली बात यह है कि राष्ट्रपति पुतिन किसी भी विदेश दौरे पर होते हैं तो उनके बॉडीगार्ड एक सूटकेस में उनका यूरिन इकट्ठा करते हैं। इसे सूटकेस के अंदर तब तक रखा जाता है जब तक कि राष्ट्रपति अपने देश रूस न पहुंच जाएं। ये जानकारी एक विदेशी मीडिया AFP की रिपोर्ट से मिली है। रिपोर्ट के मुताबिक बॉडीगार्ड की ये ड्यूटी होती है कि राष्ट्रपति की सेहत का ध्यान रखें और उनकी आवश्यकताएं पूरी करें। दरअसल रूस यूक्रेन जंग के दौरान राष्ट्रपति पुतिन के हेल्थ को लेकर कई तरह का अनुमान लगाया गया था। कई रिपोर्ट में पुतिन को कैंसर से ग्रसित बताया गया था तो कई रिपोर्ट में उन्हें मानसिक बीमारी होने का दावा भी किया गया था। पुतिन के डिमोशिया और यहां तक कि पार्किंसंस रोग से पीड़ित होने की कई रिपोर्ट सामने आ चुकी हैं। रिपोर्ट के मुताबिक पुतिन के बॉडीगार्ड के इस काम का एक खास मकसद है। पुतिन ऐसा इसलिए करते हैं ताकि उनकी हेल्थ से जुड़ी परेशानियां दुनिया के सामने ना आ सकें, क्योंकि उनको डर है कि यूरिन पीछे छोड़ने से उनके हेल्थ से संबंधित बहुत सारी परेशानियां दुनिया के सामने आ सकती हैं। इधर फ्रेंच न्यूज मैगजीन पेरिस मैच में जर्नलिस्ट रेजिस जेते ने भी खुलासा किया है कि उन्होंने अपनी मैगजीन में लिखा, राष्ट्रपति का यूरिन इकट्ठा करने के लिए फेडरल प्रोटेक्टिव सर्विस के एजेंट होते हैं और वे इसे स्पेशल बैग में वापस रूस को भेज देते हैं। रूसी सुरक्षा एजेंसी पुतिन के स्वास्थ्य के प्रति काफ़ी सतर्क रहती है। एजेंसी उनके स्टूल की जांच करती है, इसके जरिए ये पता लगाया जा सकता है कि कहीं उनको कोई गंभीर बीमारी तो नहीं। इसी दौरान इस बात का भी ध्यान रखा जाता है कि किसी और देश को उनकी बीमारी के बारे में पता ना चले। जर्नलिस्ट रेजिस जैते ने दावा किया है कि उसे इस बात के बारे में 2019 में पता चला जब पुतिन सऊदी अरब के दौरे पर गए थे। इसके अलावा जब वे फ्रांस गए थे तो उनके बॉडीगार्ड उनके साथ बाथरूम में भी जाते थे। रूस पर दो किताबें लिखने वाले रेजिस जेंटे ने बताया कि दो उदाहरण हैं जिसमें पुतिन के यूरिन को सुरक्षा एजेंसियों ने इकट्ठा किया। पहला उदाहरण 2017 में फ्रांस की यात्रा और दूसरा उदाहरण 2019 में सऊदी अरब की यात्रा के दौरान देखने को मिला था। एक थ्योरी के मुताबिक पुतिन जहां जाते हैं उनके साथ एक छोटा सा पोर्टेबल टॉयलेट रहता है जिसमें उनकी यूरिन इकट्ठा होती रहती है। 2019 में पेरिस में आयोजित यूक्रेन समिट के दौरान पुतिन को 6 बॉडीगार्ड के साथ बाथरूम जाते हुए देखा गया था। इनमें से 5 की जिम्मेदारी उनके आसपास के सुरक्षा की थी, वहीं एक अन्य बॉडीगार्ड उनके बाथरूम से निकलते ही अंदर चला गया। एक पूर्व जर्नलिस्ट ने बताया है कि पुतिन सत्ता में आने के बाद से ही अपना टॉयलेट साथ रखते हैं। वियना में एक म्यूजियम में पहुंचे पुतिन को लेकर स्टाफ ने कहा कि वह अपने पोर्टेबल टॉयलेट के साथ पहुंचे थे। अभी के लिए सिर्फ इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। रोज की ताजा खबरें सुनने के लिए सब्सक्राइब करें BHBC न्यूज चैनल, साथ ही रोज के नोटिफिकेशन जानने के लिए दबाएं बेल आइकन। साथ ही हमें अपनी राय देने के लिए हमारी वीडियो पर कमेंट करके बताएं और वीडियोस को लाइक और शेयर करना बिल्कुल